हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 10 का वह वृत्त चैप्टर है। जितना भी आपका वृत्त से, जितना भी आपका सर्कल से फॉर्मूला है, सूत्र है, उन फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए बहुत ऐसे छात्र का कमेंट आ रहा था कि सर, आप क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 10 स्टार्ट करने से पहले जितना भी वृत्त से संबंधित फॉर्मूला है, उस कुछ क्वेश्चन है, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट में पूछता है, उनको आप बता दीजिए, तब हम लोग उसको बनाएंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पर ही हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखना। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप अभी वीडियो छोड़कर चले जाइए, हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। सीधे हम आपके दिमाग में ठोक देंगे सारा फॉर्मूला, सारा का सारा सूत्र। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कुछ यहाँ पे बात है, वृत्त से संबंधित सभी सूत्र, ठीक है, वृत्त से संबंधित सभी सूत्र। फ्रेंड्स, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है, हम बताएंगे, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। तो आपका पहला सूत्र है, पहला फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल जानते होंगे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या है, पाई आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि आर क्या है, तो फ्रेंड्स आर का मतलब यहाँ पर देखिए रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। फिर यहाँ पर डी आएगा, तो डी मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, क्या डायमीटर मतलब व्यास। फिर आप कहेंगे सर पाई का मान कितना होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है, और इसको भाग दीजिए दशमलव में आ जाएगा, जैसे कि 7 × 21 दशमलव 1/4 आता है, ठीक है, 7 × 21 1/4 आता है, 3.14 होता है, ठीक है, 22/7 3.14 आता है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, 3.14 अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला है, देखेंगे सेकंड, वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πr, ठीक है, 2πr। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 2r, वृत्त का व्यास 2r, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना कर देने पर व्यास निकल जाता है। चौथा है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है d/2, व्यास को आधा कर दीजिए आपका त्रिज्या का मान निकल जाता है, तो d/2 फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध अर्धवृत्त, अर्ध मतलब आधा, तो आधा करने के लिए 2 से भाग दे दीजिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, या अर्धवृत्त कहेगा तो 2 लगा दीजिएगा, हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद छठा है अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि याद रखिएगा r into pi plus 2 याद रखिएगा। उसके बाद वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री। फ्रेंड्स, आपके क्लास 10th में ऑब्जेक्ट में पूछता है वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री मारिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पूछता है, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। आठवां है, देखिए आठवां में आप लिख दिए हैं आर, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, डी मतलब व्यास, डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में, आप पाई का मान आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इनको फटाफट सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो चलिए फटाफट लीजिए, ओके ओके, चलिए तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे 10 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, तो आप लोग मेरे साथी थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, हमारा बात याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 10 नंबर है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, दे देगा ऑप्शन व्यास, त्रिज्या, त्रिज्या दे देगा, व्यास देगा,
जीवा भी दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? तो आंसर होगा व्यास, जिसे डी से डिनोट करते हैं और डी का मतलब डायमीटर होता है। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, याद रखिएगा। 11 नंबर है, वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? तो वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? अनेक जीवाएं होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? अनेक, एक, दो, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? अनेक होगा। क्या होगा? अनेक होगा। वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? अनेक होगा। 12 नंबर है, वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? तो इसका भी आंसर होगा अनेक। ए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, और कह रहा है इसमें कितनी जीवाएं होती है। तो आप बताइए वृत्त में जितनी भी होता है जीवाएं, ये सब जीवाएं ना होता है, इस तरह खींचिएगा, ये सब जीवाएं होता है। क्या होता है? जीवा होता है, सबसे बड़ा यही होता है। तो सबसे बड़ा जीवा क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यही आपका व्यास वार्ता हो जाता है, व्यास। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? जैसे कि यहाँ पे एक केंद्र है, तो यह सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा व्यास यही होगा। अगर इधर जाएंगे तो छोटा नहीं हो जाएगा, मतलब ये भी जीवा है। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा यह है, तो इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को समझाता हूँ, वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है। जैसे एक वृत्त बना लिया मैंने, त्रिज्या 1 2 3 4, कितनों भी खींच सकते हैं, कितना खींच सकते हैं? अनेक। तो क्या होगा? वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? अनेक हो जाएगा। 13 नंबर है, वृत्त में सभी त्रिज्याएं की लंबाई क्या होती है? वृत्त में सभी त्रिज्याएं की लंबाई क्या होती है? समान होगी। आप यहाँ पर देखिए ना, वृत्त में त्रिज्या सभी का लंबाई क्या होगा? समान होगा। सभी का लंबाई दीजिएगा बुनिया से, सभी का लंबाई क्या है? समान है। तो क्या होगा? वृत्त में सभी त्रिज्याएं की लंबाई समान होगी। चलिए आप लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, चलिए लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए 14 नंबर, 14 नंबर है, वृत्त पर दिख रहा है ना, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनेक। आप कहेंगे कैसे अनेक हुआ? जैसे कि आपको एक वृत्त बनाइए, मात्र नहीं उग रहा है, ठीक है, एक वृत्त बन गया और कह रहा है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर तो आप कितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, खींचत रहिए, क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनेक होगा। क्या होगा? अनेक होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ऐसे में आगे फिर बनाया था, आपको फिगर याद रखिएगा, कितनी भी अनेक रहा अनेक हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? अनेक होगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है, किसी किसी वृत्त के एक बिंदु यहाँ मान है, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो मात्र एक ही खींची जा सकती है। क्या होगी? एक ही खींची जा सकती है, जिसका राइट आंसर एक होगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, मतलब बाहर के बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त बनाइए और बाह्य बिंदु बिंदु आप रख लीजिए, उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो दो, एगो ऐसा एगो ऐसा, मात्र दो ही खींची जा सकती है। तो आंसर क्या होगा? दो हो जाएगा। और 17 नंबर है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई क्या होगी? आप देखिए यहाँ पे दोनों रेखा की लंबाई क्या होगी? समान होगी, दोनों रेखा बराबर होगी, यह लाइन और यह लाइन क्या होगी? समान होगी। तो राइट आंसर समान हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट एक लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब 18 नंबर है, जैसे कि इसको याद रखिएगा, थोड़ा हार्ड है, ठीक है। वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यह याद कीजिएगा, ठीक है। वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्षेपक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर देखिए, त्रिज्या देखिए यहाँ पे क्या होगा, त्रिज्या के स्पष्ट रेखा के स्पष्ट बिंदु पर क्या होती है? बताइए,
देखिए त्रिज्या के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। लंब मतलब जानते हैं, परपेंडिकुलर इसका इंग्लिश होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर इसका इंग्लिश होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा क्या होती है त्रिज्या के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब। 20 नंबर है, त्रिज्या द्वारा क्या बनाया जा सकता है? तो त्रिज्यखंड याद रखिएगा, ठीक है। और एक और पूछेगा वृत्त द्वारा क्या बनाया जा सकता है? तो वृत्तखंड याद रखिएगा, उसको नहीं लिखे हैं। तो त्रिज्या द्वारा क्या बनाया जा सकता है? त्रिज्यखंड। और वृत्त द्वारा नहीं लिखे हैं तो याद रखिएगा, वृत्त द्वारा क्या बनाया जा सकता है? तो वृत्तखंड, ठीक है। तो आपका क्लास 10th का चैप्टर 10 हुआ, जितना भी फॉर्मूला है वह हो गया समाप्त। और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको, ठीक है, देखिएगा मैंने जो बताया हूँ इससे आपको 4 नहीं तो 3, यानी 3 या 4 आपको जरूर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, मेरा यह वादा है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं तो दोस्तों से बेईमानी कीजिएगा कि उनको भी याद हो जाएगा, तो उनको भी याद करने दीजिए, क्योंकि आप ही तेज मत बनिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।